हम हेवी वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं हम, हमारी हाइट नहीं रुकेगी, बहुत सारे लोग आपके। तो नमस्ते और स्वागत है आप सभी को फिर से एक नई वीडियो में हमारी चैनल पे। तो आज की हमारी इसी वीडियो में मैं आपकी मन में जो भी सवाल है हाइट को लेके, हाइट के रिलेटेड जो भी भाइयों की अभी टीनेजर से 18 साल या 17 साल है, उनकी जो हाइट ग्रोथ नहीं हो रही, उन सारी भाइयों की मन की सवाल मैं आज दूर करने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो जिस टाइम मेरे क्लास में, मैंने 12th क्लास में, जब 12वीं क्लास में मैंने था, उस टाइम मेरी भी हाइट बहुत ही छोटी थी। मेरी हाइट उस टाइम मेरे को भी बहुत सारे लोगों ने इस तरह से बोला कि तेरी हाइट छोटी है, हाइट और नहीं बढ़ेगी, इस तरह से वर्कआउट करने से हमारी हाइट नहीं बढ़ती है। तो इस तरह से कुछ भी नहीं है, मैंने आप सभी के साथ सारी सच आज बताने वाला हूं। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अगर आपने अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो साइड पर दिया रेड कलर बटन पर प्रेस कीजिए, साथ ही साथ हमारी बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, फ्यूचर पर जब भी नई नई वीडियो आएगी सबसे पहले आपको पता चल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो भाई लोग, आप अपनी हाइट को लेके बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी हाइट बढ़ेगी। ये हमारी कुछ कारणों की वजह से नहीं बढ़ती है, जो 3-4 कारणों से जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला रीज़न ये होता है हमारी जेनेटिक्स। आपकी जेनेटिक्स कैसे है, आपके घर में आपकी मदर और फादर और मदर फादर की हाइट किस तरह से है, आपकी जनरेशन में अगर सारे लोगों की हाइट थोड़ा सा ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपकी भी हाइट उसी तरह ही आपकी हाइट बढ़ेगी। आप कुछ भी कर लो, आप कोई भी वेट ट्रेनिंग कर लो, कुछ भी कर लो, डिप्स लगा लो, पुशअप लगा लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ती है, आपकी हाइट बढ़ेगी। लेकिन अगर आपकी जेनेटिक्स में आपके मदर फादर की हाइट थोड़ा सा छोटा है तो आपकी हाइट उनसे थोड़ा आगे जा सकता है। अगर आप कोशिश करेंगे तो, आप सही तरीके से वर्कआउट करेंगे तो, डाइट करेंगे, डाइट सही तरीके से लेंगे, न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में सही टाइम पे डालेंगे तो आपकी हाइट थोड़ा बढ़ सकता है उनकी मुकाबले आपकी भी। तो सबसे पहला था हमारा ये। दूसरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल होते हैं कि हम जब अपनी वर्कआउट करते हैं, हम हेवी वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं हम, हमारी हाइट नहीं रुकेगी। बहुत सारे लोग आपके अपनी घर के पास भी आपको बोलेंगे कि तू अभी जिम मत जा, अपनी हाइट रुक जाएगी, ये होगी वो होगी। भाई ऐसा कुछ नहीं है, उस टाइम मेरे को भी बहुत सारे लोगों ने बोला था। मैंने जब अपनी जिम स्टार्ट करी थी, वेट ट्रेनिंग जब मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करी थी, उस टाइम मुझे भी बोले थे, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरी हाइट उस टाइम मैंने जब 12th क्लास पे था 168 सेमी थी, लेकिन आज मेरी हाइट 171 या 172 लगभग अभी है मेरी हाइट, जो करंट हाइट। मैंने क्या क्या करी अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए, जिम पे आपको सही वर्कआउट करना चाहिए। आपको अपनी हाइट बढ़ाने के लिए बहुत सारी स्ट्रेचिंग वर्कआउट है, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहला आपको क्या करना है, अपनी स्पाइनल कोड को आपको स्ट्रेचिंग करना है जितना हो सके। अपनी दिन में 2 बार या 1 बार उसको कर सकते हो। जितना स्ट्रेचिंग करेंगे वो आपकी उतने धीरे धीरे ग्रोथ होगी ताकि आपकी हाइट बढ़ सके। आपको सबसे पहला वर्कआउट क्या करना है, कहीं पे भी आपको लटकने के लिए, जैसे पुलअप बार हो, आपको कोई स्लैब मिल जाए घर में या ताज़ा कुछ भी मिल जाए उस पर आप लटक सकते हो। जितना हो सके आपको 1 मिनट या 2 मिनट के लिए आपको अपनी बॉडी को वहीं पे लटक के होल्ड करना चाहिए, अपनी पूरे बैक मसल को स्ट्रेच करना चाहिए, जाके कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड पूरा स्ट्रेचिंग होगी, वहीं पे हमारी हाइट धीरे धीरे ग्रोथ होती है। आपको वैसी पुलअप बार पे या ताजा पे या अपनी घर पे कहीं पे भी आपको लटक के रहना है, अपनी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेचिंग करना है। दूसरी वर्कआउट जो हमारी होती है, आपको कोबरा स्ट्रेच होता है, योगा टाइप की होता है कोबरा स्ट्रेच, उसको करना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने फॉलो करती थी उस टाइम। आपको कोबरा स्ट्रेच पे भी बहुत ध्यान देना ज़रूरी है, उसी वर्कआउट से बेहतरीन तरीके से हाइट ग्रोथ होती है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड को पूरा स्ट्रेच करती है, जैसे कि हमारे हैमस्ट्रिंग के साथ ही साथ स्पाइनल कॉर्ड पूरे बॉडी को स्ट्रेचिंग करके वो अपनी हाइट धीरे धीरे ग्रोथ होगी इसी वर्कआउट को फॉलो करके। और आपको थर्ड वर्कआउट जो मैंने बताने वाला, सबसे इफेक्टिव वर्कआउट जो हाइट ग्रोथ करने के लिए, भाई सूर्य नमस्कार। आपको सूर्य नमस्कार दिन में 20 बार या 15-20 आपको धीरे धीरे करके उसको बढ़ाते जाना है। 1 साल तक करना ज़रूरी है भाई, कुछ नहीं है, आपको 1-2 महीने से कुछ रिजल्ट मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, आपको 3-4 महीने भी रिजल्ट आएगी। ये लॉन्ग प्रोसेस होता है, आपको 1 साल तक आपको वर्कआउट पे फॉलो करना है। सूर्य नमस्कार भी आपको कंटिन्यू करना चाहिए सुबह के टाइम पे, जो हमारी बॉडी को पूरा स्ट्रेचिंग करने से बहुत ही जल्दी से ग्रोथ होती है हमारी हाइट, जैसे मैंने फॉलो करके अपनी हाइट यहाँ से यहाँ तक ग्रोथ करी है मैंने, तो आप भी फॉलो कीजिए। थर्ड पे हमारी है और नेक्स्ट स्टेप मेरी ये आप सभी के साथ,
आपको अपने डाइट पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जिस टाइम आप अपनी स्ट्रेचिंग वर्कआउट पे ध्यान देते हो, उसी तरह आप अपने न्यूट्रिशन के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपको थोड़ा थोड़ा बहुत अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा कैल्शियम भी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम मैंने कोई सप्लीमेंट के बारे में आपको नहीं बताने वाला हूँ। आप अपनी घर की फूड पर भी थोड़ा सा दूध बढ़ा लीजिए, अपने डाइट में थोड़ा सा दही बढ़ा लीजिए। दूध में हमारी थोड़ा कैल्शियम ज़्यादा होती है, उसको फॉलो कर कीजिए, आपको थोड़ा कैल्शियम और मिल जाएंगी। आपको जैसे स्पिनिच मिलती है, हमारी जो पालक होती है उसको भी आप खाना चाहिए, ताकि हमारी न्यूट्रिशन कमी धीरे धीरे बैलेंस हो जाएंगी बॉडी में। कोई भी अच्छा मल्टीविटामिन भी ले सकते हो उस टाइम। उसके साथ आपको अपनी प्रोटीन इंटेक वो भी थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहिए अपनी बॉडी में, ताकि वो धीरे धीरे करके हमारी ग्रोथ को हेल्प कर सकता है। और भाई, ग्रोथ के लिए हमारी और एक टिप्स मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वहीं पे एक हार्मोन हमारी निकलती है, जो हम वर्कआउट या हम जब अपनी बॉडी को थोड़ा मेडिटेशन करते हैं उस टाइम निकलती है। वो वर्कआउट पे बहुत हमारी फ़ायदेमंद होगी, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, हमारी सिर के पास रहती है, बहुत छोटा सा ग्लैंड है हमारी बॉडी में, वहीं पे जो हार्मोन HGH जो ग्रोथ निकलता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, वो आपको मेडिटेशन करने से थोड़ा ज़्यादा निकलेंगे, ताकि हमारी हाइट थोड़ा और ग्रोथ होने में आपको मदद मिल जाएगी। तो आपको कुछ टिप्स को ध्यान देना ज़रूरी है, अपनी न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। किसी की बात को आपको नहीं सुनना है, किसी की बात के ऊपर नहीं आना है। जैसे मुझे भी बहुत सारे लोग बोले थे उस टाइम, तो मैंने भी किसकी बात नहीं मानी, अपनी वर्कआउट करते रही और अपनी डाइट पर ध्यान देके मैंने अपनी हाइट को ग्रोथ करी। ये सच बात है, आपको भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, अपनी हाइट भी बहुत सारी ग्रोथ होगी। बहुत सारे भाई मुझे भी पूछ रहे थे कि हमारी हाइट नहीं ग्रोथ हो रही है। नहीं भाई, अपनी वर्कआउट पर ध्यान देना चाहिए और डाइट पर ध्यान देना चाहिए, आपकी हाइट ज़रूर ग्रोथ होने वाली है। तो था इसी वीडियो में कुछ टिप्स आप सभी के साथ शेयर करी, मैंने खुद की एक्सपीरियंस जो मैंने शेयर करी, मैंने किस तरह से अपनी हाइट को ग्रोथ करी। तो आप भी इसे फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको भी फ़ायदेमंद होगी। अगर वीडियो पे आपको कुछ भी टिप्स फ़ायदेमंद लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी दोस्तों को साथ शेयर कीजिए ये वीडियो, जिसको ये वीडियो की ज़रूरत है हाइट के रिलेटेड। तो मिलते हैं आप सभी के साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे साथ बने रहिए।